फ्रेंड वेलकम बैक। मैं हूँ आपका अपना राजू है। आज आपके सामने हिमालयन 450 और ये है ये अलवर से जो कि देख सकते हैं नंबर इसका। और आए हैं हमारे साथ हमारे सामने ये भैया। तो भैया ऑल अबाउट जब आए थे तो थोड़ा माइंड में कंफ्यूजन था बट अभी थोड़ा सा है अभी नहीं आ पाई है, अभी आएगी। तो भैया का कन्फ्यूजन क्लियर करेंगे हम धीरे धीरे। एट द एंड भैया का फाइनली रिव्यू लेंगे कि भैया का कैसा काम लगा, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम कोई आता है तो वीडियो देखकर जरूर आता है बट फिर भी थोड़ा सा माइंड में रहता है। कोई न्यू बाइक है मैं जैसे घर किसी से कहता हूँ कि उसमें कन्फ्यूजन रहना भी ज़रूरी है, क्योंकि बाइक लवर है हर बंदा। बाइक से जो बंदा इतना लंबा ट्रैवल करके आ रहा है स्पेशली काम कराने के लिए तो बनता भी है। अब दिखाते हैं इसमें क्या क्या करने वाले हैं। पहले दिखाऊंगा आपको इसके अंदर दिखा रहा है एग्जॉस्ट जो कि खुल रहा है इसका, पूरा फुल सिस्टम लगाऊंगा इसके अंदर। ये देखिए ये इसका फुल सिस्टम है जो इसका लगा हुआ है इसका, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा खुलेगा, जो कैथनिंग वगैरह सारा होता है इसका। और सामान बहुत सारा है इसके अंदर, जैसे कि लाइक वाइजर हो गया, हेडलाइट ग्रिल, GPS माउंट, हैंड गार्ड, फॉग लैंप्स, रेडिएटर गार्ड, सम गार्ड और बहुत सारा है इसका। हमें धीरे धीरे मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्या क्या लग रहा है और कैसे कैसे लग रहा है इसका। और आज आपके सामने है अगेन हिमालयन 450 और जो मॉडिफिकेशन है ना वो इसकी इतनी मॉडिफिकेशन होती है ना इतनी होती है और मुझे करने में बहुत मज़ा आता है। और सबसे ज़्यादा स्पेशलिटी पता है इस बाइक की ये है कि ये है भैया हमारे राजस्थान से स्पेशली हमारी वीडियो देखकर, जो कि हमारे लिए बहुत ही गुडनेस वाली बात है कि इतनी दूर से बंदा कोई आता है बाइक चलाकर। अब मैं दिखाता हूँ इसके अंदर मॉडिफिकेशन, इसके अंदर क्या क्या मॉडिफिकेशन की गई है। सबसे पहले नीचे से दिखाता हूँ, स्टार्ट करता हूँ इसकी फ्रंट से। ये देखिए ये है इसके फॉक्स लैडर जो लगा दिए गए हैं आपका, और जो फिटमेंट है ना इसकी होती है प्रॉपर फिटमेंट, कोई जुगाड़ नहीं होता इसमें, प्रॉपर फिट होती है। और कोई कह भी नहीं सकता कि लगेगा कैसे, नहीं किसी को पता है कि लगेगा कैसे, क्योंकि सिर्फ लगेगा हमारे पास, क्योंकि हम जो काम करते हैं वो दुनिया से अलग करते हैं, डिफरेंट करते हैं। ये इसके इंस्टॉल कर दिए गए हैं, इसके कलर आप देख सकते हो टाइटेनियम ग्रे है इसका जो लगा दिया गया, साथ में आपको मिलती है इसके अंदर ये देख सकते हेडलाइट ग्रिल। मैं इसके ना आइटम नोट करना पहले, ये है इसकी हेडलाइट ग्रिल, इधर आपको मिलता है GPS माउंट जो कि देख सकते हो आप, साथ में आपको मिलेगी इसके अंदर मास्टर सिलेंडर कैप, इसके बाद मिलती है आपको मास्टर सिलेंडर कैप, ये रही एक मास्टर सिलेंडर कैप आपकी, ये रही। इधर आपको मिलता है रेडिएटर गार्ड, इधर आपको मिलता है सम गार्ड, और इधर आपको देखने को मिलेगा बैक साइड के अंदर ये है इसकी टॉप रैक प्लेट। तो ये जो मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें दिखाई है ना, तो इसका कोई ना कोई लॉजिक तो ज़रूर होगा। लॉजिक ये है कि ये है कॉम्बो किट, ये कॉम्बो किट की आइटम है जो इसके अंदर लगाई गई है, जो कि हमारे खुद के बनते हैं। मैंने इसको पूरा कॉम्बो एक साथ हम देते हैं, जिसको भी चाहिए हो कभी बाय करना हो तो सीधा आप पूरा कॉम्बो लें, कॉम्बो में आपको बहुत ही सस्ता प्राइस पड़ रहा है अपने पास से। तो ध्यान दें, आप मैं बताता हूँ इसकी स्पेशलिटी क्या है हेडलाइट की। ये देखिए ये हेडलाइट की ना, इससे क्या होता है जो आपकी लाइट्स है ना, ये लाइट होती है पूरी तरीके से सेफ, साथ में स्पाइडर लुकिंग की बना दी गई ना, तो उसमें क्या है लुक भी काफ़ी इनहेंस हो जाती है। और इसके बाद आपको दिखाता हूँ वाइज़र, ये वाइज़र इसी का है हिमालयन 450 का, जो कि एक हमने स्टार्टिंग की वीडियो डाली थी ना उसमें हमने जरूर जुगाड़ करके लाया था पुरानी हिमालयन का, बट उसके बाद कंपनी को बनाना पड़ा यही सेम आपका न्यू हिमालयन का वाइज़र, जो कि आप देख सकते हैं इसमें दो कलर आते हैं आपके, एक तो मिलता है आपको ब्लैक कलर का और एक मिलता है इसके अंदर आपको ट्रांसपेरेंट वाला। तो ट्रांसपेरेंट चाहिए वो भी मिल जाएगा, ब्लैक चाहिए ब्लैक भी मिल जाएगा। और फिर उसके बाद आते हैं GPS माउंट पर, देखिए ये लगा देगा GPS माउंट जो कि कॉम्बो किट का एक पार्ट है। इसको लगाने से क्या है, ये बेसिकली लगवाते लोग जब उनको राइड पर जाना हो तो यहाँ पर GoPro माउंट, मोबाइल माउंट कुछ भी लगा सकें, बट जब कॉम्बो में मिल ही रहा है तो क्या दिक्कत है आपके लिए, तो बहुत ही अच्छी बात है ये। तो ये भी इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया गया है। और उसके बाद इसके अंदर देखेंगे तो आपको हैंड गार्ड, ये जो हैंड गार्ड है ना, ये हैंड गार्ड बहुत ही प्रीमियम लुक देते हैं लगने के बाद, क्वालिटी तो प्रीमियम है ही है, साथ में लुक भी काफ़ी प्रीमियम आ जाती है इसकी। और इतनी ज़बरदस्त की लुकिंग है ना भाई साहब, कि जब पीछे से व्यू करेंगे या फ्रंट से व्यू करेंगे तो काफ़ी ज़बरदस्त लुक लगती है इसकी। और इससे आपका लीवर और हैंड दोनों होते हैं पूरी तरीके से प्रोटेक्ट, और ये मेटल बॉडी होती है, कहीं भी नहीं जाने वाला है, सेम आपको इस तरफ सेम आपको मिलता है इस तरफ। और इसके बाद इसमें लगा दी गई है आपकी वाई वाली फॉग लैंप, जो कि आप देख सकते हैं ये विद हार्नेस, ये होती है विद हार्नेस आपकी ये लगा दी गई है, जो कि आप देख सकते हैं क्या ज़बरदस्त लुक इसकी आ रही है लगने के बाद। और अब दिखाता हूँ आपको इसकी रोशनी, ये देखिए चाबी ऑन कर दी, ये आपका हो गया येलो, ये आपका हो गया वाइट, ये आपका हो गया येलो वाइट, और ये आपका हो गया फिर से येलो। और अब दिखाता हूँ इसके अंदर ब्लिंकर, ये देखिए ये भी आपके करीब 5 पैटर्न्स हो गए इसके अंदर, जितनी बार मैं पुश करूँगा बटन उतनी बार ऑटोमेटिकली इसके पैटर्न हो जाते चेंज, और ये जरूरी येलो के अंदर ही,
ये देखिए अब मैं जलाऊंगा वाइट, इसके अंदर भी हो जाएगा आपका, और फिर उसके बाद येलो वाइट, इसके अंदर भी आपका हो जाएगा। तो किसी में भी आप ये कर सकते हो अपने पैटर्न्स, जो कि रोड पे नोटिस वाली चीज़ है लगने के बाद। और इसके बाद आपको देखने मिलेगी मास्टर इंटर कैप, ये आपकी फुल सेफ्टी भी होती है, साथ में लुक भी काफ़ी एनहेंस हो जाती है। सेम इधर इससे भी लुक एनहेंस होती है, साथ में सेफ्टी भी होती है। सेम आपको इधर ये पूरी प्लास्टिक बॉडी होती है, सेफ पूरी तरीके से हो जाती है। इसके बाद दिखाता हूँ आपको रेडिएटर गार्ड, जो कि मैंने दिखाया था कॉम्बो का। ये देखिए रेडिएटर गार्ड जो है ना, इसे लगाने के बाद ना जो इसका रेडिएटर है ये होता है पूरी तरीके से सेफ, बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होता है, और अगर जो इसमें प्लास्टिक वगैरह लगा रहता है उससे आपका जाएगा या पत्थर वगैरह तो टूटेगा टूटेगा डेफिनेटली। तो इसे लगाने के बाद वो भी होगी पूरी सेफ। नीचे आपको मिलता है इसके अंदर समगार्ड बेस प्लेट, जो कि देख सकते हो आप, ये भी आपको करता है ऑयल फिल्टर को, इसका जो होता है अंदर उसको पूरी तरह सेफ जो इसके अंदर लगा होता है वो टूटे ना इसलिए। तो ये भी लगा देगा इसके अंदर। साइड में आपको देखने को मिलेगा इसका क्रैश गार्ड, जो कि बहुत ही हैवी कलर क्रैश गार्ड लगा दिया है। साथ में सुपर बाइक वाले इसमें लगाए हैं आपके स्लाइडर्स, जो कि आपको मिलते हैं 4 स्लाइडर, और ये इतने हैवी है ना, क्योंकि आपने देखो निंजा वगैरह के अंदर यही यूज़ करते हैं हम लोग, वही इसके अंदर लगा दिए गए स्लाइडर्स। तो स्लाइडर हो गया, क्रैश गार्ड हो गया, जो क्रैश गार्ड का यूज़ बता देता हूँ कि फुल सेफ्टी होती है, आपके टैंक्स भी सेफ होता है और आपके लेग्स भी पूरी तरीके से होता है सेफ, फुल सेफ्टी वाला फीचर। कभी भी गाड़ी आपकी स्क्रैच होती है कुछ होती है तो ये पूरे ही सेफ कर देते हैं आपको आपकी बाइक को। और इसके बाद आपको दिखाता हूँ इसके अंदर पीपीएफ लैमिनेशन, जो कि कर देगा, जो कि आप जज नहीं कर सकते कि इसमें की भी गई नहीं, कहीं भी A to Z 1 to All कहीं भी जगह, चाहे आपका टैंक हो जाए, चाहे आपका मडगार्ड हो जाए, इधर भी देख लो, चाहे आपका साइड पैनल देखिए इधर, चाहे साइड पैनल इस तरफ देख लीजिए, चाहे देख लिया आप बैक साइड का, तो ये पूरी तरीके से आपको जज नहीं कर सकता कोई लगवाया है नहीं लगवाया, क्योंकि हम जो काम करते हैं प्रॉपर वाला काम होता है, तरीके से काम होता है। और एक इसमें नीचे फॉग लैंप और लगाई, वो भी दिखाता हूँ आपको उसकी रोशनी कैसी होती है। ये देखिए ये इसकी वाइट, ये येलो, ये इसकी वाइट होती है और ये होती है इसकी येलो। और इसकी एक और खासियत बताता हूँ कि भैया ने ना फॉग लैंप तो वहाँ से लगवा ली थी, बट भैया ने कनेक्शन नहीं कराए थे, क्योंकि उनको हम पर ट्रस्ट था कि भैया वायरिंग कराऊंगा तो सिर्फ राजू भैया से जाकर कराएंगे, जो कि यहाँ पर इसकी की गई है प्रॉपर तरीके से। फॉग लैंप तो भैया ने लगवाई थी बट कनेक्शन नहीं करवाए थे, सिर्फ नॉर्मली लगवा कर आ गए थे। तो ये आपने देख ली। अब आपको दिखाता हूँ सीट कवर, ये जो सीट कवर है आपने देखा हुआ, इसके अंदर ड्यूल कलर का आता है मैचिंग जो आती है, ठीक है ना, तो इसको कर देगा पूरा ब्लैक और विद कुशनिंग फ्रंट वाला, पीछे वाला भी सेम मिलेगा आपको ब्लैक एंड वाइट विद कुशनिंग, जो कि आगे वाला तो सेफ हो ही जाता है, साथ पीछे वाले के भाई बैक का दर्द समझ सकते हो ना, तो इसीलिए दोनों की सेफ्टी कर दी गई इसके अंदर। और इधर लगा देंगे आपके देखते हैं रियर साइड के फुटरेस्ट, जो कि दोनों साइड है, एक इधर भी और एक मिलता है आपको इस तरफ भी, दोनों तरफ लगा देंगे। प्लेन राइडर पूरी तरीके से इजीली बैठ सकता है इसके अंदर। और ये टॉप रैक प्लेट, इसे लगाने के बाद आप चाहो तो इसके ऊपर टॉप बॉक्स वगैरह इजीली इंस्टॉल करा सकते हो, तो किसी भी तरीके का, और सैडल स्टे भी लगवा सकते हो और पैनल भी लगवा सकते हो इसके अंदर। और ये लगा देंगे इसमें बैकरेस्ट, जो कि इजीली फिट हो गया टॉप रैक प्लेट लगाने के बाद। और एक चीज़ और आप दिखाना चाहूँ, बहुत ज़रूरी चीज़ है इसके अंदर, जो भैया ने इसमें लेटेस्ट कराया है, लेटेस्ट ले कोई लेटेस्ट, ये देखिए ये इसका लगा दिया गया डिकेट बैंड पाइप, जो कि आप देख सकते हैं ये इसका डिकेट बैंड पाइप, जो आपका ओरिजिनल एग्जॉस्ट है ना ये इसी को इंस्टॉल कर दिया गया। साउंड थोड़ा सा और इंक्रीज़ हो जाता है इसे लगाने के बाद। अब मैं सुनाता हूँ इसकी साउंड, ये देखिए ये हो गया इसके आइडल पर, और अब देता हूँ थ्रोटल। पता है इसकी सबसे ज़्यादा स्पेशलिटी क्या है, ये लगाने के बाद कोई भी पुलिस वाला ना इसको देख कर चालान नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि कंपनी की चीज़ है भाई, कंपनी ने लगाया है, हम क्या कर सकते हैं? आप देख लो, चेक कर लो, इंटरनेट पे सर्च मार लो, कहीं भी सर्च मार लो, तो आपका 110% चालान होने वाला बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग सोच रहे हैं एग्जॉस्ट लगाने की, उनको एग्जॉस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, डिकेट इसका बैंड पाइप आ चुका है मेरे पास, क्योंकि लगाने के बाद आपका सिंपली एग्जॉस्ट जो है आपको ओरिजिनल लगवा लो, कोई चालान का इशू नहीं, किसी चीज़ को दिक्कत, और लुक भी आपकी सेम जैसी होती है वैसी ही सेम है। तो यहाँ पर आकर वीडियो तो हो चुका है कम्प्लीट, वायरिंग तो मैं आपको हमेशा दिखाता हूँ कैसे कैसे करते हैं कैसे नहीं करते, टाइम को थोड़ा सा मद्देनजर रखते हुए हमने वायरिंग नहीं दिखाई और फटाफट फिट कर दिए गए इसके टैंक वगैरह। तो उसको छोड़े मिलवाता हूँ भैया से, जिन भैया के भाई को उन्होंने हम पे ट्रस्ट कर राजस्थान से आया, उनका ट्रस्ट अभी तक कैसा है कैसा नहीं है, तो आइए भैया। तो हेलो भैया, आप कैसे हैं और अपना नाम बताइए और कहाँ से और कैसा लगा काम? मेरा नाम रजत है भैया और मैं अलवर राजस्थान से हूँ, ये मेरा फ्रेंड है। तो आप सेम भैया अलवर से? तो एक तो जहाँ से आप आए ना, आपका एक्चुअली गारमेंट है, मैंने आपका स्टेटस चेक किया, गारमेंट काम है। एक तो अपना वहाँ का एड्रेस, जिन लोगों को लेना हो आपसे बाय करना हो, क्योंकि पर्सनली मैंने आपकी टी शर्ट देखी ना, तो मैं खुद मेरे को खुद मैंने कहा भैया आपको कॉल करें, भैया आपका काम है तो आप एक काम करें, आ रहे हो ना तो मेरे लेते आइए, ये कहा था मैंने भैया को। भैया ने कहा अब तो मैं सुबह जल्दी निकलूंगा, अब तो मैं ला नहीं सकता, लेकिन नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो मैं जरूर लेकर आऊँगा। तो वहाँ का आप एड्रेस लोकेशन जो बता दीजिए, जैसे कि
जो वहाँ आसपास का व्यूअर है वो आपसे ले सके, और अगर जो ऑनलाइन आप बाई कर तो अपना वेबसाइट बता दीजिए जो कि आपको वहाँ से बाई कर सके। सर मेरा 3 स्टोर है मेरे, एक सीपी मॉल के अंदर है और एक है गायत्री मंदिर रोड पे, एक मालाखेड़ा बाजार पे, और एक है रजत का जो स्टोर है वो सीपी मॉल के जस्ट जेल के चौराहा बोलते हैं, जेल चौराहा सर्किल पे वहाँ पर है, ऑन रोड ही है सीपी मॉल के पास। तो भैया गारमेंट्स का काम है और टी शर्ट वगैरह मुझे बहुत अच्छा लगा, अगली बार आएंगे तो मैं ज़रूर आपको इनकी टी शर्ट भी दिखाऊंगा जो मैंने पहनी होंगी। तो आप बताइए कि आपको ऑल अबाउट जो आप सोच कर आए थे, माइंड मेकअप करके आए थे, उस पर खड़े उतरे हम नहीं उतरे भैया? भैया खड़े तो उतरे हैं, बस थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा हो गया मजे जेम तो डीली करनी पड़ेगी क्वालिटी, लेकिन जेन्युइनली काम अच्छा हुआ है और मेरी तरफ से तो ऑल गुड। आपकी तरफ से भैया? सर बहुत सर्च किया होगा यूट्यूब पे कि पैसा खर्च कर रहे हैं तो जेन्युइन पार्ट लगे, ये नहीं कहीं भी खड़ी कर दे कोई भी कुछ और भी सबसे बड़ी चीज़ आंखों के सामने काम हो रहा है, कभी ऐसा नहीं है कि पीछे हो रहा है या हो रहा है, किसी को मना कर दिया इधर, ऐसा कुछ नहीं है। तो और मेन भैया का नेचर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम कूल है, आओ नहीं समझ आए कोई बात नहीं, हटा दो जो लगवाना है लगवाओ, ठीक है। आप कितना ट्रस्ट करके आते हैं तो यार आप समझ सकते हो कि ट्रस्ट अगर उनका ट्रस्ट हम नहीं करे करेंगे, क्योंकि देखो बहुत सी चीज़ ऐसी होती है कि हमें अच्छी लग रही है बट सामने वाले पर्सन को नहीं अच्छी लगी, तो हम उनसे क्या कहते हैं भैया आप हटवाइए दूसरी लगाइए। तो गाइज आप जो देख रहे हैं वो बहुत ही अच्छी जगह है, तो आप ट्रस्ट कर सकते हैं और एक बार जरूर विजिट करिए, विजिट करिए एक्चुअली जब पता लगेगा कि आपको है क्या। भाई 150 किलोमीटर दूर आए हैं तो वर्थ है, वर्थ है, वर्थ है। चलो ऑल अबाउट और ऑल इंडिया से कश्मीर आना है तो क्या रिकमेंडेशन आप देंगे? आग बंद करके आओ, जहाँ से भी आ रहे हो तो मैं यही कहूँगा कि हम लोग यही कहेंगे कि भैया के साथ जुड़ो आप, बहुत अच्छा लगेगा और चीज़ें भी जेन्युइन है। तो आप सबको समझ आ चुका होगा कि भैया का रिव्यू, भैया क्या कह रहे थे, भैया ने सब कुछ बोल ही दिया है, दोनों भाइयों ने अपना रिकमेंडेशन दे दिया है। अब आपको कुछ नहीं, सीधा सिंपली चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है राजू भाई SKD को, जो कि अपनी जो शॉप है दिल्ली के करोलबाग नायवेलन के अंदर आपको शॉप मिल जाती है, बैक साइड में 36 नंबर गली है, फ्रंट अगर वो देखेंगे तो फ्रंट है हमारा आर्य समाज रोड, क्योंकि आर्य समाज रोड पे हमारी शॉप है, मेन रोड पर शॉप है, हनुमान मूर्ति से, हनुमान जी की मूर्ति जैसे अंदर कट लेंगे पहले कट पे हमारा शॉप है जो आपको देखने को मिल जाएगा SKD के नाम से। तो वीडियो चलो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए जय श्री राम, जय माता दी, गुड बाय।